बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं पुलाव। पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये हमने लिए हैं कुछ मसाले, सूखे मसाले हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये जी टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, चिकन को हमने धो के पानी इसका खुश कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें डालेंगे मसाले, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चिकन, ठीक है।
मसाला तैयार हो चुका है, पानी डाल देंगे इसमें। अब इसको पकाएंगे, इसमें उबाल आ जाए तो फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी में उबाल आ गए, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। कच्ची बासमती चावल था, हमने इसको 15 से 20 मिनट जो है भिगो के रख दिया था। अब इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, नमक हमने डाला था, अगर हमें कम लगेगा तो फिर हम पानी में डाल देंगे। नमक हमें कुछ कम लग गए और ऐड कर देते हैं इसमें। इसको पका लेते हैं जब तक पानी खुश्क हो जाए, फिर इसको दम लगाएंगे। इसको दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर इसको उतार दें। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, दम हमारा रेडी है। नीचे उतारते हैं, इसे डिश आउट करते हैं। जी तो पुलाव हमारा रेडी है, डिश आउट कर लिया हमने। आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।